नमस्कार, आदाब। न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नागालैंड में 6 महीने के लिए फिर बढ़ाया गया विवादित आसपा कानून। गांधी और मुसलमानों पर भद्दी टिप्पणी करने वाला कालीचरण छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार। और यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। जीएसटी दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली के कपड़ा व्यापारियों की हड़ताल। और कोरोना फिर तेजी से फैल रहा है, 24 घंटों में आए 13,000 से ज्यादा मामले। अब खबरें विस्तार से। सुरक्षा बल विशेष अधिकार कानून यानी आफ्सपा को नागालैंड में 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। ये एक्सटेंशन केंद्र सरकार ने किया है। इससे पहले 30 जून को भी इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। हाल ही में नागालैंड के एक गाँव में सुरक्षा बलों ने 13 नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से आसपा को हटाने की मांग हो रही है। ये कानून 1958 से नॉर्थ ईस्ट के राज्य नागालैंड में बना हुआ है। इसे विवादित और क्रूर कानून के तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जिसके तहत वो किसी का भी घर बिना वारंट के चेक कर सकते हैं, किसी को भी शक की बिना पर गोली मार सकते हैं वगैरह। कश्मीर, नागालैंड के अलावा नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्य लगातार आफ्सपा का विरोध करते रहे हैं, क्योंकि आर्मी पर लगातार इल्ज़ाम लगते हैं कि वो इस कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। अब छत्तीसगढ़ की ओर। रायपुर की नफ़रत से भरी धर्म संसद में महात्मा गांधी और मुसलमानों को लेकर अपशब्द बोलने वाले साधु कालीचरण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर पुलिस ने कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया। भद्दी जुबान वाले कालीचरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक केस दर्ज हो चुके हैं। महाराष्ट्र पुलिस काफ़ी दिनों से कालीचरण की तलाश में थी। पुलिस के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद ही कालीचरण एक गेस्ट हाउस में छिपा हुआ था। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कालीचरण के खिलाफ ठाणे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कालीचरण ने रायपुर में हिंदुत्ववादी संगठनों की धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां दी थी, मुसलमानों को लेकर अपशब्द कहे थे और हत्यारे नाथुराम गोडसे की तारीफ की थी। इसके बाद इसने 27 दिसंबर देर रात अपने YouTube चैनल में 8 मिनट 51 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। वीडियो में कालीचरण ने कहा कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि उसने गांधी के लिए अपशब्द कहे। अब खबर हरियाणा की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कथित UGC नेट हिंदी पेपर लीक मामले में छात्र संगठनों स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी ISA, DSF और KYS ने UGC मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के परीक्षाओं के टेंडर को तत्काल निरस्त करने की मांग को लेकर UGC मुख्यालय पर जमा हुए थे। SFI अध्यक्ष सुमित कटारिया ने कहा, हरियाणा में लंबे समय से पेपर लीक हो रहे हैं, मगर नेट का पेपर लीक होना आम बात नहीं है। हम पेपर लीक में उचित जांच, री एग्जामिनेशन और दोषियों को सजा दिए जाने की मांग करते हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांग रखी है कि निजी और स्वायत्त NTA द्वारा आयोजित की जा रही UGC नेट परीक्षा एक बार फिर UGC को आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और हिंदी के लिए नेट परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय सरकार द्वारा कपड़ों पर बढ़ाए जाने वाली GST दरों के खिलाफ देश भर के कपड़ा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय सरकार ने 1 जनवरी से कपड़ों पर GST 5% से बढ़ाकर 12% करने का निर्णय लिया है, इसलिए देश भर के व्यापारी असंतुष्ट हैं। गुरुवार यानी 30 दिसंबर को दिल्ली के कपड़ा व्यापारियों ने बाजार बंद किया। दिल्ली में थोक खरीदारों के लिए मशहूर चांदनी चौक से लेकर गांधीनगर, टैंक रोड सहित सभी बाजारों में आज सन्नाटा रहा। व्यापारियों के इस दिल्ली बंद को चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन, रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के अलावा कपड़ा व्यापारियों की अन्य एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है। सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे व्यापारियों ने कहा है कि अगर 12% GST लगा दिया गया तो व्यापारी के पास पूंजी नहीं बचेगी और न केवल हजारों छोटे छोटे कारखाने बंद हो जाएंगे, बल्कि टैक्स चोरी भी बढ़ेगी।
व्यापारियों ने ये भी चेतावनी दी है कि यदि सरकारों ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। और अब कोरोना अपडेट। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसका नतीजा ये है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज़्यादा मामले आए हैं। डेढ़ महीने के बाद एक दिन में इतने मामले सामने आए हैं। इस बीच 268 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं ओमिक्रॉन के संक्रमण की संख्या में अब 1,000 के करीब हो गई है। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनज़र देश में कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली में भी येलो अलर्ट जारी है, जिसके तहत सिनेमा हॉल, स्कूल, जिम वगैरह बंद हैं और 10 बजे के बाद से कर्फ्यू है। वैक्सीन की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 143,83,00,000 से ज़्यादा डोज दी जा चुकी है, जिनमें 63,91,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज सिर्फ इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट newsclick.in पे लॉगिन कीजिए। हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज़क्लिक पर बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।